हेलो <coughs> नमस्कार मेरे दोस्त आप सबका स्वागत है हमारे इस वोकैब की क्लास नंबर थर्ड में माय डियर स्टूडेंट्स ये, ये वोकैब स्पेशल आपका बैच है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका यूट्यूब पर कंप्लीट कराया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे क्लास में उसके बाद जो मैं आपका टेस्ट लूंगा उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिए जो कि अब दस से पंद्रह क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है अब आपके सामने सो तो जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है मैं उसको बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने पहली दूसरी क्लास नहीं देखी है आज की क्लास से भी आपको प्रॉपर समझ आएगा वोकेब की क्लास आप जहां से भी देखेंगे वहीं से आपको परफेक्ट तरीके से समझ आता चला जाएगा लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली दो क्लासेस हमारी जरूर से जरूर देख लें सो तो आप सबका स्वागत है मैडी स्टूडेंट्स आज वोकेब की क्लास नंबर तीन में ठीक है तो पंद्रह मिनट बस आपका छह बजे था छह पंद्रह मिनट छोटा सा जरा सा टाइम कराया क्योंकि अब इसकी एडिटिंग थोड़ी सी बचती थी ठीक है कहते पंद्रह मिनट लेट आयो अच्छा गुरु जी है अगर तुम्हें लड़की बुलाए ना और पूरी रात भी तुम्हें इंतजार करा दे फिर सुबह आए और फिर तुमसे पूछे अरे अरे जानू मैं लेट तो नहीं हुई अरे नहीं नहीं कहा लेट बस बारह घंटे ही तो लेट आई हो कहा बारह घंटे तो बस आपके इंतजार में यूं ही बीत गए हैं मैं पंद्रह मिनट लेट आ गया मेरी कमी निकाल रहे है छिछा रे छी भैया भैया कलयुग आ गया कल प्रभु कलयुग चलो जी आओ एक बार फटाक से और आप सबसे मजाक से परे एक सीरियस बात यह है वीडियो को प्लीज जो आपकी क्लास है उसको लाइक कीजिएगा मैक्सिमम उसको शेयर कर दीजिए फटाक से इसी मस्ती इसी एनर्जी के साथ हम जो है पढ़ाई करते हैं और स्टार्ट करते हैं जी पढ़ना ठीक है भैया जी तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं देखिए तो जरा कितना बच्चा लाइव आ गया भैया ये भैया आ गया है क्या पंद्रह बीस लाख बच्चा आ गया है लाइव <laughs> चलो मेरे दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर दें मैक्सिमम प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दें आजू बाजू में चले जाओ पड़ोसी के यहाँ चले जाओ पड़ोस के यहाँ जाके भटाक से उसका दरवाजा खटखटा दो खट 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 वो पूछेगा कौन कहता है वो कैब क्लास नंबर तीन है खोलो दरवाजा है <laughs> चलो आ जाओ मेरे दोस्त आ जाओ आगे सारे के सारे चलो तो इसी चुटकले के साथ हम कर रहे हैं आज की शुरुआत और ठीक है भैया जी चलो देखो ध्यान से देखिएगा आज का जो पहला वर्ड है वो प्यार मोहब्बत वाला नहीं है वो वो वाला है जब आप घर पे कोचिंग के बहाने से बाहर गए हो और पापा ने किसी के साथ तुम्हें चाउमीन खाते हुए देख लिया हो ठीक है फिर घर आकर पापा आपके ऊपर क्या लगाएंगे पापा आपके लिए लगाएंगे घर आते ही डांट तो मेरे दोस्त इसी देखो क्या कवि ने क्या खास बात कही है बात घुमाते हुए मैं वर्ड आपको बता रहा हूं मेरे लाल मेरे हरे मेरे गुलाबी आज का जो पहला वर्ड है वो है रिप्रूव करना आज का जो पहला वर्ड है वो है रिप्रूव करना सर रिप्रूव का मतलब क्या होता है रिप्रूव का मतलब होता है मेरे बच्चे डांटना फटकारना जब आप स्कोल्ड करते हैं किसी को डांटते हैं किसी बात के लिए मना कर देते हैं नहीं जैसे आप नहीं पाता पापा सब लोग गोवा जा रहे हैं मैं भी चला जाऊं क्या ऐसा आप सपने में पूछते हैं हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि पापा से सच में ऐसा पूछ ले जा रहे हैं मैं गोवा चला जाऊं क्या हम सपने में ही पूछ लेते हैं सपने में ही डांट खा लेते हैं ठीक है ये कहानी है सो so, बेटा रिप्रूव करने का मतलब होता है डांटना और फटकारना सो so, डांट फटकार जब आपके पास ऊपर लगती है उसके लिए रिप्रूव शब्द यूज होता है जैसे इसका एग्जाम्पल देखो द टीचर जेंटली रिप्रूव्ड इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेरे भाई ये वर्ब की तरह यूज होगा रिप्रूव द बॉयज

तो उनको बचपन से इतनी घबराहट है जब भी चोर चोर को चिल्लाते अपना चेहरा देखने लग जाते हैं अरे नहीं क्यूट चेहरा है तेरा खुद पे डाउट कर थी कि तब मासूम सा प्यारा सा चेहरा है ठीक है तो टीचर तो तो जेंटली रिप्रूवड जो इस तरीके से जेंटली रिप्रूवड का मतलब हो गया थोड़ा सा जेंटली तरीके से उस पर डांट फटकार लगा दी टीचर ने उसके लिए आप इसको यूज कर रहे हो बेटा

और एक उसका उल्टा क्या कर रहे हो क्रिटिसाइज कर रहे हो तो क्रिटिसाइज करने का मतलब हो गया आप उस चीज की निंदा कर रहे हो बेटा और आप यह कह रहे हो कि आपने यह काम अच्छा नहीं किया आपने काम अच्छा नहीं किया तो किसी को अगर आप क्रिटिसाइज करोगे तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है तो आप इसी से क्रिटिक्स भी बना है ठीक है ना तो क्रिटी क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज ठीक है अब ये ऐसे लिख लो या जेड ई लिख लो ठीक है ध्यान रखिएगा तो क्रिटिसाइज करना किसी को क्या करना किसी ने जो काम किया है आप उसको कह रहे हो नहीं डिसअप्रूव कर रहे हो मतलब नहीं यार अच्छा नहीं किया ठीक है ये ध्यान रखिएगा बेटा अप्रूव करना होता है ना अप्रूवल देना डिसअप्रूव डिस क्या हो गया उस चीज का नेगेटिव हो गया तो डिसअप्रूवल भी आप याद रखिएगा डिसअप्रूवल ऑफ ठीक है दूसरी बात बेटा डिसअप्रूव या अप्रूवल ऑफ तो इसके साथ प्रपोर्शन कौन सी आती है ऑफ ये भी छोटी छोटी बातें याद रखिएगा अपने आप में वहां पर सीख जाओगे नेक्स्ट देखो बेटा तीसरा वर्ड है हमारा एडमोनिश करना एडमोनिश भी बिल्कुल सेम इसका सिनोनिम तैयार होता है बेटा क्या करना रिप्रूव करना डांटना या फरकारना तो एडमोनिश करना टू टेल समवन दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग किसी को यह कहना जो आपने काम किया है गलत किया है गलत किया है आपने काम या टू एडवाइस समवन टू डू समथिंग किसी को सलाह देना इसकी बजाय तो ये कर ले तूने तो ये काम गलत किया है इसकी बजाय तू तो ये कर ले तो बेटा उसको बोलते हैं एडमोनिश करना एडमोनिश करना एडमोनिश करना जैसे बचपन याद हो मम्मी नहीं डांट खटकार लगाती थी जब आप खाना लेट खाते थे और जो है स्कूल जाना होता था स्कूल के लिए देर हो रही होती थी तो मम्मी आपको क्या करती थी एडमोनिश करती थी ठीक है एडमोनिश करती थी या शाम को वही मम्मी उल्टा एडमोनिश करती थी सुबह मम्मी क्या करती जल्दी जल्दी खा ले स्कूल भी जाना लेट हो जाएगा हाँ और जब आप शाम को जल्दी जल्दी खा रहे होते थे कहती है जाएगा जानवर है तो आराम से नहीं खा सकता तुम सोचते हो मम्मी देवी जी आपका रूप क्या है सुबह आप कह रही थी जल्दी जल्दी खा ले शाम को जल्दी खाना तो कहती जल्दी तो जानवर खाते हैं तो जानवर है आराम से खा ले समझ रहे हो तो एडमोनिश करना इस तरीके से डांटना फटकारना है यार मम्मी की माया भाई साहब मम्मी ही जाने तो एडमोनिश ये हो गया बेटा इसलिए देखो हिज मदर एडमोनिश्ड हिम उसकी मम्मी ने उसको डांटा क्यों डांटा फोर फोर ईटिंग टू क्विकली क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था अच्छा बेटा आपने ध्यान दिया एडमोनिशोर क्या कहा एडमोनि रखिएगा बेटा इसके साथ प्रेपोजिशन लड्डू कौन सी यूज होती है फोर ये ईटिंग डायरेक्ट पता है क्यों आगे बेटा क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आता है एडमोनिश फोर अच्छा किसी से माफी मांगते हो तो सॉरी फोर लगाते हो ना माफी मांगना तो किसके लिए एडमोनिश किया उसके लिए एडमोनिश के साथ कौन सी प्रपोशन आएगी फोर आएगी बेटा ये चीज भी याद रखवाऊंगा मैं वो कैब कराऊंगा ढंग से कराऊंगा एकदम वो नहीं छपरी वाली तरीका नहीं बेटा बोलते ना कई छपरी यूट्यूब पे अलग ही तरीके से वो कैब करा रहे बच्चों का नाश कर दिया उन्होंने बच्चे मीनिंग निकालना भूल गया तो मीनिंग निकालना बेटा एडमोनिश का मतलब ये हो गया तो इसका मतलब ये वर्ब इसकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ बेटा वर्ब हुई तो हमने ये देख लिया एडमोनिश ठीक है नेक्स्ट देखते हैं रिब्यूक करना रिब्यूक रिब्यूक भी डांट फटकार लगाना है अगला वर्ड आप क्या टाइप करोगे रिब्यूक करना क्या टू स्पीक एंग्रीली मतलब गुस्से से बोलना टू समवन क्यों क्योंकि उसने कुछ गलत कर दिया और उस काम को आप क्या कर रहे हैं बिकॉज यू डिसअप्रूव ऑफ वट दे हैव सेड और डन जो उन्होंने कहा या जो उन्होंने किया वो गलत किया उसके लिए आप क्या कर रहे हो बेटा उनसे गुस्से से बात कर रहे हो बहुत गुस्से से उसे डांट रहे हो उसके लिए आप कर रहे हो रिब्यूक करना गुस्से से डांट या फटकार लगाना उसके लिए आप रिब्यूक का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त तो आई वॉज मैनेजर फॉर बींग लेट मेरे मैनेजर ने मुझे सर डांट दिया हाँ फॉर बींगट कार तू काम नहीं पे नहीं पे नहीं आ सकता तो डांट दिया तो रिब्यूक करना तो जब आप बहुत गुस्से से किसी को डांटते हैं यह वॉइस है अच्छा एक और चीज याद रखना बेटा मैनेजर क्यों फॉर फॉर बीइंग लेट

मां कसम उतनी अच्छी वो कैबी आदमी बोलना है तो पहला वर्ड क्या बोला मैंने रिप्रूव करना क्रिटिसाइज करना एडमोनिश करना रिब्यूक करना देखो ना कितनी बढ़िया लगेगा अगर आप इस तरीके से शब्द है एक बार एक बार चारों शब्दों को बोल देना बेटा एक बार एक बार चारों शब्दों को बोल देना भाई साहब बोलना जरा एक बार सारे के सारे चारों शब्दों को एक बार बोल दो बेटा ठीक है जी पाजी अब आगे देखो बेटा अगला वर्ड है चाइड चाइड करना चाइड करने का मतलब भी होता है डांटना या कैसे एक्सप्लेन कर दिया भी अपने आप में वर्ब होती है बेटा टू टू स्पीक समवन ठीक है गुस्से के साथ बिकॉज दे हैव बिहेव बैडली उन्होंने गंदा बिहेव किया गंदा काम किया कुछ गलत किया आपने उनको क्या कर दिया चाइड कर दिया शी चाइडेड हिम फॉर हिज बैड मैनर्स आपने गंदा बिहेव किया आपने गंदा बिहेव किया बैड मैनर्स के लिए कई बार नहीं होता था आपको रिश्तेदार आयो मम्मी पापा कई कहते कई बच्चे होते हैं बक्तमीज वो क्या करते हैं रिश्तेदार के सामने मम्मी ने बुलाया हाँ अरे बेटा अपने जो है अंकल को वो सुनाओ जरा सुना पोइम सुना स्कूल में सुनाई थी क्यों अरे बेटा एक बार सुना नहीं सुना रहा ऐसे बच्चे होते हैं तो मम्मी ने क्या किया <laughs> तो हिज मदर चाइल हिम फॉर हिज बैड बिहेवियर कई बच्चे होते हैं मुंह पे बेचते करते क्यों सुनाओ ठीक है क्यों सुनाओ ये चीज यहां पर है तो वो चीज जब आपके करते हैं क्रिटिसाइज करने की बजाय आप वहां डाट फटकार लगाते हैं वो होती है बेटा वो होती है ठीक है ठीक जब आंखों आंखों से मम्मी नहीं मार देते तुम्हें बेटा आज ये इंसान गया तू गया तेरे को उल्टा टांग के फूटना मैंने तो ये होता है बेटा चाइड करना ठीक है ये होता है चाइड करना आसान हो गया नेक्स्ट रिप्रोच करना रिप्रोच करना ऐसा लग रहा है जैसे रिप्रोच दोबारा से करो ये काम ऐसा लग रहा है जब आप किसी को क्या कर रहे हो रिप्रोच कर रहे हो तो दूसरे को क्या कह रहे हो अरे यार नहीं हो रहा हाँ दोबारा से कर चल दोबारा ट्राई कर रिप्रोच कर रिप्रोच कर दोबारा से उस चीज को कैच कर दोबारा उसे उस चीज को कर तो आप वही चीज यहां पर देखोगे कि हाँ सर सेम लग रहा है टू क्रिटिसाइज स्पेशली फॉर नॉट बींग सक्सेसफुल और नॉट डूइंग वॉट इज एक्सपेक्टेड जो उम्मीद की गई थी वो आपने किया नहीं उसके लिए आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है डांटा जा रहा है तो हमने देखा हिज मदर रिप्रोस्ड हिम फॉर नॉट ईटिंग ऑल हिज डिनर सारा का सारा खाना खत्म नहीं किया जिसकी वजह से उसकी मम्मी ने उसको डाटा भाई घर पे अभी देख रहे हो ना वीडियो को मैं साइड में होता हूं तो एग्जाम्पल भी पढ़ लिया करो अपना समझ के ये नहीं कि सर जबरदस्ती पढ़ा रहे हो ऐसा फील होना चाहिए आपकी अंदरूनी इच्छा है और मैं जानता हूं आपकी अंदरूनी इच्छा याद करने की तो पढ़ा करो गुनगुनाया करो शब्दों को बेटा ठीक है सो हिज मदर रिप्रोच हिम फॉर नॉट ईटिंग ऑल हिज डिनर सारा डिनर नहीं किया उसकी वजह से मम्मी ने उसको डांटा तो बेटा इसको बोलते हैं रिप्रोच करना डांटना ठीक है आपने बोला सर हाँ ये भी दिमाग में चढ़ गया अब एक फ्रेजल वो बेटा गेट ऑन गेट ऑन गेट ऑन ये है अपने आप में फ्रीजल वर्ब मतलब क्या होता है टू मैनेज और डील विद अ सिचुएशन स्पेशली सक्सेसफुली इसका मतलब बेटा का मतलब पता है क्या होता है कुछ काम बिगड़ गया हाँ एक मिनट रुक मैं ठीक करता हूं इसका तो गैट ऑन कर रहे हो तो आप सबको क्या करोगे डांटोगे फटकारोगे तरीके से बात ठीक है तरीके से उस काम को करवा जाओगे गेट ऑन जैसा होता है ना गेट ऑन करना तो वो चीज आप यहां पर करा दोगे तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन Your new home. आप अपने होम में गेटिंग ऑन इसका मतलब कैसे डील कर रहे हो सिचुएशन से कैसे मैनेज कर रहे हो चीजों को ठीक है उसके लिए आप गेट ऑन शब्द यूज करते हैं जो अपने आप में फ्रेजल वर्ब है मतलब वही हो गया ना जैसे आप क्या करा रहे थे ऊपर आप यहां क्या पढ़ रहे थे कि किसी से थोड़ा सीवियरली टाइप टाइप बात करते हो तो किसी ने बिहेव कर या गलत चल ठीक कर अब इस काम को डांटने का मतलब यही तो होता है किसी गलत के काम को या गलत बोली की जबान को ठीक कराना गेट ऑन वही होता है बेटा किसी चीज को उसी तरीके से मैनेज करना जो भी चीज गलत हुई है ठीक है आप उसको क्या करके मैनेज कर, कर तो अब जब आप गेट ऑन कर रहे हो तो ये चीज है ठीक है भाई अच्छा दूसरी चीज बेटा लाइफ में सफल होना भी एक और मीनिंग होता है गेट ऑन का लाइफ में सफल होना तो और मीनिंग क्या आ जाता है गेट ऑन का एक और मीनिंग होता है बेटा टू प्रोग्रेस या टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ गेट ऑन का एक मीनिंग और चलता है बेटा गेट ऑन ठीक है वेरी गुड अच्छा ही डज नॉट गेट ऑन विद हिज फ्रेंड यान ही डज नॉट गेट ऑन विद हिज सन उसकी अपने बेटे से नहीं बनती बेटा गैट ऑन नहीं है उनका इसका मतलब उनकी आपस में नहीं निपती आपस में मैनेज नहीं होता क्यों मेरे बच्चे मैंने बोले ना टू मैनेज मैनेज करना है गेट ऑन I get on with my son. तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे आपकी आपके बेटे से बनती है अगर उसकी, उसकी बेटे से नहीं बनती तो मैं क्या करूंगा देखो इसका एग्जाम्पल याद रखना उसकी, उसकी बेटे से नहीं बनती यार उस इंसान की उसके बेटे से नहीं बनती ही डज नॉट गेट ऑन तो गेट ऑन का मतलब इस तरीके से यह है निभना होता नहीं देखो अरे हम मैनेज कर लेते हैं यार रिलेशनशिप कब चलती है बेटा रिश्ते कब चलते हैं जब निभाने की इच्छा हो गलतियां निकालने की बजाय ये देखो उसमें अच्छाईया क्या है निभाओ मेरे बच्चे तो मैंने बोला यू शुड गेट ऑन यू शुड गेट ऑन विद हिम यू शुड गेट ऑन विद हिम तो मैं उसके साथ गेट ऑन करना चाहिए मतलब रिश्ता निभाओ अगर रिश्ता नहीं निभा रहे हो तो नोट गेट ऑन कर दिया बेटा वहां ठीक है इसका मतलब गेट ऑन का मतलब है एक अच्छा रिश्ता होना एक अच्छी रिलेशनशिप होना ठीक है तो मैंने बोल दिया ही गेट्स ऑन विद हिस्सन He does not get on with his son इसका मतलब उसके साथ उसके रिश्ता जो है अच्छा नहीं सो so, बेटा गेट ऑन का एक मीनिंग भी होता है जब आप चीजों को क्या करते हैं मैनेज करते हैं जब चीजों को क्या करते, है? करते हैं ठीक है जो कर रहे हो वो करते रहो आप बोलोगे सर आप तो पागल कर दोगे कितने मीनिंग है बेटा एक बार में लिख दो इसके एक नहीं पुत्र कई मीनिंग है तो एक बार ध्यान से सुनिए देखो गेट ऑन का जो आप एक मीनिंग निकाल के चलते हो जो ये लिखा है टू मैनेज और डील विद अ सिचुएशन स्पेशली सक्सेसफुली कुछ गलत था आपने उस चीज से डील किया उस चीज को मैनेज किया किसी को डांटना था फटकारना था मैनेज करना आप मैनेज करके चीजों को तो किसी भी चीज को मैनेज कर जाना और सक्सेसफुल हो जाना ठीक है गेट ऑन ठीक है गेट ऑन का ये पहला मीनिंग दूसरा होता है मेरे बच्चे गेट ऑन का मीनिंग मैंने क्या बोला टू हैव अ गुड रिलेशनशिप टू हैव अ गुड रिलेशनशिप टू हैव अ गुड रिलेशनशिप के इंग्लिश में क्या बोल दो हिंदी में क्या बोल दो बेटा? निभाना ठीक है यू यू शुड शुड गेट गेट ऑन ऑन विद विद योर योर सन सन आपको अपने बेटे के साथ रिश्ता निभाना चाहिए यार अरे उसकी उसके बेटे से नहीं बनती तो ही डॉट गेट ऑन विद मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया था ही डज नॉट गेट ऑन विद सन बेटा गेट ऑन विद एक साथ क्यों है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है उसकी उसके बेटे से नहीं निपती तो ये हो गया निपती है तो गेट्स ऑन हो जाता अच्छा एक और होता है बेटा गेट ऑन कॉन्टिन्यू करना गेट ऑन होता है मेरे बच्चे टू कॉन्टिन्यू किसी चीज को जारी रखना हिंदी क्या बोल दोगे जारी रखना किसी चीज को जारी रखना किसी चीज को जारी रखना बाजी एक गेट ऑन का ये मतलब होता है ठीक है हाँ ये चीज है डन है तो आपने बोला आई विल लीव यू प्लीज गेट ऑन यू प्लीज कैरी ऑन एम लिविंग यू प्लीज कैरी ऑन यू प्लीज गेट ऑन सो ये चीज है ठीक है आप जारी रखिए आई विलीव यू टू गेट ऑन देव यू टू गेट ऑन देव यू टू गेट ऑन देन हाँ तो चल भाई तू तो कर ले फिर काम ठीक है मैं चलता हूं तू तो कर ठीक तो uh, है ना तो बेटा मैंने आइए बोल दिया आई विलीव यू टू गेट ऑन है ना तो मैंने बोले आई विलीव यू टू गेट ऑन देन

कई बार स्पोकन में मीनिंग निकल जाता है इसका पागल हो जाओगे कब जब वो को आप मैं हमेशा, हमेशा एग्जाम्पल की फिराक में बैठा रहता हूं कि अपने बच्चे को जब भी मैं एक्सप्लेन करूं तो इतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूं कि उसकी जरा सी भी मेरे से नाराजगी ना रहे कि आपने कुछ पढ़ा दिया उसके बाद हम ठीक है अभी बूढ़ा अभी बूढ़ा हुआ अभी तो मात्र मात्र भाई साहब अभी स्वीट एटीन हुआ, हुआ। चलो आगे आगे बढ़ते हैं चल पुत्र आगे देखते हैं गेट ऑन ठीक है गेट ऑन अगला वर्ड हमारे पास है रेप्रीमेंट करना रिप्रीमेंट बोल दो या रेप्रीमेंट कर दो अब देखो ध्यान से सुनेगा एक अगर आपने बात नोट की हो बेटा आर ई पी डाट फटकार में ये जरूर आता है आरई पी देखो रिप्रूव दोबारा से प्रूव कर उस चीज को चल दोबारा कर रिप्रूव रेप्रूव देखो पी फिर आपने देखा हो रिप्रोच रिप्रोच चल दोबारा से कर फिर आपने देखा हो रेप्रीमेंट रिप्रीमेंट चल दोबारा से काम आप तो अगर हिंट बनाते हो ना तो आपको ई पी तीनों में आपको दिखाई देगा ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को दोबारा से कोई काम करने कह रहे हो दोबारा से कोई काम करने कह रहे हो तो आपको लगेगा हाँ गुरु जी लग तो रहा है रिप्रोच 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 तो reproach करना चल दोबारा कर रिप्रूव चल दोबारा से ठीक कर ठीक है हमने ये बोल दिया कहा गया रिब्यूक चल दोबारा से कर रिब्यूक री आ गया रिप्रीमेंट इसको ऐसे पढ़ लो फिर से री आ गया तो बेटा आप देखोगे उसको ऐसे लग रहा है जैसे दोबारा से कर रहे और री का मतलब दोबारा तो जैसे रिप्रेयर रिपेयर दोबारा से ठीक कर उसको रिपेयर करना ठीक करना आप ये बोलते हो सो रिकंस्ट्रक्ट री जो शब्द हो रहा है ना तो उसको थोड़ा से हिंट बनानी है कि हां इस तरीके से भी आपके दिमाग में ये बात जा सकती है बेटे ये हिंट कौन बनाएगा जो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा जो इंटरेस्ट के साथ है, पढ़ेगा जितनी बार मैं वर्ड बोल रहा हूं पागलों की तरह आप भी उतनी बार बोलो क्या क्या बोला पाजी रिप्रूव करना रिब्यूक करना रिप्रोच करना रिप्रीमेंट करना, करना तो री वाले शब्द एक साथ लिख लेना इन पे क्या करना आप किताब है आपके पास स्टार लगा लो चलो अब रिप्रीमेंट को मैं मतलब बता देता हूं बेटा देखो रिप्रीमेंट करना क्या है वर्ब है टू एक्सप्रेस टू समन योर स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल डिसअप्रूवल ऑफ द किसी को एकदम साफ साफ चीजों के लिए मना करना सेम मीनिंग है बेटा बिल्कुल सेम मीनिंग है कि सिंपल आप ये कह रहे हो नहीं ये नहीं चलेगा मना कर दिया सीधा ये नहीं चलेगा तो उसके लिए बोल दिया तो शी वॉज रिप्रीमेंडेड बाई हर टीचर फॉर बाइटिंग अनादर गर्ल <laughs> बस दूसरी ये बचपन में भाई साहब सबसे गंदी हरकत होती थी हमारी जो कमजोर छात्र होता था कमजोर बच्चा होता था वो स्ट्रॉन्ग को मार नहीं पाता था वो पता है क्या करता था सीधा भाई साहब यहां पर यू दांत छाप देता था ये बिल्कुल दांत छाप देता था और जब तक सामने वाला चिल्ला चिल्ला के पागल नहीं हो जाए एक वही लकड़ी जैसा बच्चा सूखड़ा सा बच्चा उसके पास एक ही हथियार था दांत जहां से पकड़ेगा बोले वहीं से मास्क छीन के लिया उससे खौफ डरते यही थे डरते यही थे तो बेटा ये था तो उसको क्या किया टीचर ने देखे बोलते ना अरे सर इसने काट लिया सर देखो दांत छाप दिया वो चीज यहां पर बनती है बेटा रेप्रीमेंट कर ड करना वो चीज यहां पर बनती है आसान हो गया सर अच्छा आगे देखो बेटा टिक समवन ऑफ बेटा एक फ्रेजल वर्ब है ये फ्रेजल वर्ब इसके सिनोनिम में पूछी जा सकती है आजकल भाई यूनिक तरीके से एग्जाम क्वेश्चन बनाता है तो समवन ऑफ का मतलब क्या हुआ सेम टू स्पीक सीवियरली और टू क्रिटिसाइज समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग किसी ने कुछ किया है तो देखो आई हैड टू टिक हिम ऑफ फॉर लेट सर कैसे याद रखो गुरु जी एक बात बताओ स्कूल में कभी लेट गए हो? सारे मेरे स्कूल से रहते हैं क्योंकि वो जीवन क्या कर दिया टिक कर दिया कैसा ऑफ चल वो आया ही नहीं तो नहीं आया तू लेट आ रहा ना हाँ तेरे को मैंने टिक कर दिया चल छुट्टी तो बेटा गया अब तो एबसेंट लग गई तो तेरे को मैंने टिक ऑफ कर दिया तो टिक somebody off ऐसा लग रहा ना जैसे टिक कर दिया हाँ लेकिन ऑफ टिक कर दिया तो ऑफ आए है ठीक है तो ये चीज अटेंडेंस जैसे बोल रहे हो तुम आए ही नहीं तुमने टिक ऑफ कर दिया आया ही नहीं तो टिक ऑफ करना सर ऐसा लग रहा है जैसे आपने वही चीज डांट दिया टिक ऑफ करना तो टिक समवन ऑफ तो किसी को आप डांट रहे हो फटकार रहे हो क्रिटिसाइज कर रहे हो तुमने कुछ गलत किया है तो हमने तुम्हें वहां से आप हटा रहे हो ऐसी सेंस में हिंट याद रखोगे ना तो बेटा टिक समबड़ी ऑफ हमेशा याद रखना इसके बाद पर्सन आएगा इंसान आएगा और इंसान के बाद ऑफ लगेगा इसलिए बेटा मैं टिक ऑफ नहीं लिखा मैंने मैंने ये नहीं लिखा टिक ऑफ नहीं बेटा टिक ऑफ नहीं लिखा मैंने मैंने लिखा है टिक समवन ऑफ यहां पर्सन जरूर आएगा सो आई हैड टू टिक हिम ऑफ मुझे उसको डांटना पड़ गया था फॉर बींग लेट अगेन दोबारा से लेट आने के चक्कर टिक संबड़ी ऑफ ये हुआ पा जी चलिए आते हैं जरा यहां पर तो हमने क्या देख दिया रखिएगा हमेशा यहां आपको क्या दिखाई देगा पर्सन जरूर दिखाई देगा मेरे लल्ला तो टिक ऑफ के बीच में पर्सन जरूर देखा जैसे एक बात बताओ बेटा प्रिवेंट किसी को कहीं से जाने से रोको तो आप क्या करते हो प्रिवेंट फ्रॉम प्रिवेंट फ्रॉम याद करते हो लेकिन कभी प्रिवेंट फ्रॉम ऐसे यूज होता है नहीं बेटा पक्का इस प्रिवेंट के बीच में यहां इंसान जरूर आता है उसको वहां जाने से रोको प्रिवेंट हिम

ट को क्या बोला आठवा वर्ड टिक समबडी ऑफ टिक ऑफ को क्या बोला नौवा वर्ड कास्टिगेट करना ठीक है कास्टिगेट करना ठीक है हमने क्या बोल दिया दसवा वर्ड कास्टिगेट करना आ जाओ मेरे बच्चे कास्टिगेट करना तो क्या क्रिटिसाइज करना समवन फॉर समथिंग ठीक है किसी को आप डांट रहे हो फटकार रहे हो किसके लिए भाई साहब सीवियरली डांट रहे हो हेल्थ इंस्पेक्टर्स कास्टिगेटेड द किचन स्टाफ अब हेल्थ इंस्पेक्टर ने किचन स्टाफ को कास्टिगेट किया डांट दिया क्यों डांट दिया गुरुजी? फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलेस भाई सब सफाई नहीं थी बता रहे ऐसे नहीं गोलगप्पे खाने जाते हो, गोलगप्पे वाला क्या करता है अब भैया तीखा बनाना का ठीक है और उसी हाथ को यूं, उसी चम्मच को यूं घोट देता है और सीधा और अब कई बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर दस, दस्ताने पहनते हैं प्लास्टिक वाले कुछ नहीं पहनते दस्ताने पहनते तो हैं फिर उसे एकदम नेचुरल टेस्ट है नेचुरल तो आए कहीं पसीने का जो जा रहा है और एकदम पूरा ए भैया एक वो मीठा वाला जोर देना भैया जी ठीक है हाँ खास कर लड़की तो भैया मीठा वाला जरूर बनाएगा कहता है आलू को गोल नहीं खाओगे तुम्हें ये क्लास जरूर याद आएगी तो याद रखना बेटा जब ऐसा कोई करे तो आप उसको क्या करोगे ऐसा कोई करे तो आप उसको कास्टिगेट करना उसको डांटना कि नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया तो कोरोना और तुम्हें क्या लग रहा है कहाँ से पैदा हुआ यहीं से पैदा हुआ कोरोना ठीक है तो हमने ये बोल दिया कास्टिगेट करना तो इसका मतलब ये भी क्या है चुटकू वर्ब है इसलिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह यूज हुई अच्छा बर्न वन सर आपने एक के कहानी फूक डाले एक बात बताओ आग लगा दी कानों में इसका मतलब क्या है बेटा उसको बहुत गंदे से डांट रहे हो उसको बहुत गंदे से डांटने लग रहे हो है कि नहीं आग लगा दी आपने बर्न वन सीयर ऐसा भाई सब कोई बार पापा करते हैं पापा का गजब का स्टाइल होता है आपने कुछ गलत किया पापा डांट देंगे हाँ फिर पता पूरे घर में ना यू घूमेंगे पापा फिर घूमेंगे फिर और आप क्या बैठे हो नीचे मुंह करके और यू सला कुछ याद भी नहीं है कहां कहां लिख रहे हो कुछ भी लिख दे रहे हो जीएस लिख रहे हो फिर सडनली मैथ का क्वेश्चन लिख दिया इज फिर एकदम से इंग्लिश का सेंटेंस कोई भी लिख दिया ही इज डूइंग हिज वर्क कोई नहीं। बस पापा को पेज भरते हो फिर पापा यू आएंगे डाल साला पैसा बर्बाद कर रखा है इनको लगता है पैसा बस ऐसे ही आ रहा है इनको बता के हैं कहां से कैसे क्या कमा रहे हैं इज्जत ही नहीं है माँ बाप फिर पापा घूम के आएंगे फिर डांट बेटा ये होते हैं बर्न वंस ईयर आग लगा डालो भाई साहब कानों में आग ही लगा ला पाजी अब वो आग कैसे लगेगी वो ऐसे डांट फटकार के लगेगी बेटा उसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना सो एज टू करेक्ट अ अ फॉल्ट तो शी हिज इयर्स फॉर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट सीट बेल्ट नहीं पहनी थी बोल तो भाई साहब मेरी कान ही में आग लगा दी उसने बस डांटती रही डांटती रही कहा ठीक है तो ये डांटना क्रिटिसाइज करना डांटना क्रिटिसाइज करना हाँ तो वो चीज यहां पर आपके लिए बनता है ठीक है जी कॉफी आ गई कॉफी पियोगे नहीं ना ठीक अब तो झूठी कर दी मैंने आप क्या पियोगे छोड़ो मत पियो ये बोलिए बेटा अब जरा पुत्र जी फटाक से रिवाइज कर लेते हैं ये हुआ क्या मैं चैलेंज दे सकता हूं कोई भी बच्चा 11 में तो गलती नहीं करेगा ठीक है क्या-क्या है बेटा रिप्रूव करना क्रिटिसाइज करना एडमोनिश करना पढ़ना-पढ़ना रिब्यूक करना चाइल्ड करना रिप्रोच करना गेट ऑन रेप्रिमेंट टिक ऑफ कास्टिकेट बर्न वंस अब बेटा इसी पर बेस्ड मेरे लाल मेरे हरे मेरे गुलाबी जब टेस्ट आएगा ना ये नहीं है टेस्ट आएगा ना क्लास नंबर तीन का तो हम आग लगा देंगे रे अब अगर मैं आपसे टेस्ट लू बताओ सिर्फ इतना जान पूछ के इतने का टेस्ट ले रहा हूं बाकी लूंगा बताओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर वन रिप्रूव आपसे एग्जाम में पूछा गया कि आप इसका अपोजिट बताओ एंटोनिम बताना है मेरे लल्ला इसका अपोजिट बताओ अब आपसे पूछा गया रिप्रूव का अपोजिट बता के दिखाओ तो आप अपोजिट क्या बताओगे आपसे इसका क्या पूछा है अपोजिट पूछा है मुझे बताइए पंद्रह क्वेश्चन है भाई आज मुझे बताइए अपोजिट पूछा है ठीक है अरे अभी तो सॉरी अब तो हुई नहीं अभी नहीं बता पाओगे हैं अपोजिट तो नहीं बता पाओगे मैंने खामा के पूछ लिया चलो एंटोनिम कराता हूं, फिर कराता हूं ये टेस्ट अभी तो एंटोनिम बताया ही नहीं ना मैंने एंटोनिम बताता हूं एंटोनिम अभी हुए नहीं ना एक दो ने तो बता भी दिया पहले हैं अभी नहीं चलो एंटोनिम कराता हूं फिर बताता हूं बारह नंबर देखो बेटा एंटोनिम

हाँ करना सेंक्शन कर, कर देते हैं इतना अमाउंट हाँ कर देते हैं अब ये डायलॉग सब इसके दो मीनिंग दोनों समझाता हूं तारीफ करना ये है बेटा हेल का मतलब मैंने क्या कहा तारीफ करना एक तो ये मीनिंग है दूसरा टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन ठीक है टू कॉल समेत हाँ ओए भाई आइयो आपने उसको हेल किया चलो टैक्सी के लिए हेल करते पुकारते हैं टैक्सी को टैक्सी के लिए हेल कर दिया शेल वी हेल अ टैक्सी क्या हम टैक्सी बुलाई लेकर भैया अगला आई टू हेल हेल हर फ्रॉम अक्रॉस द रोड रोड के उस पार हेल ये नहीं ये भाई दाप इधर ये वाला नहीं बेटा सीटी नहीं मारनी वहां हेल का मतलब वही सेल वी हेल अ टैक्सी मतलब पुकार लेके टैक्सी के लिए तो किसी का ध्यान करना भाई तो इस तरीके से हेल है ये सीटी मार के नहीं बुलाना बेटा वहां ठीक है छपरी नहीं छपरी नहीं ठीक है टिकटॉकर नहीं छपरी नहीं तो यहां पर जब आप हेल करते हैं तो हेल का जो मीनिंग आता है लड्डू वो हेल का मीनिंग ये निकल के आता है भैया जी ठीक है एक हुए ये समझ आया दूसरा आई ट्राइड टू हेल हर फ्रॉम अक्रॉस द रोड रोड के उस पार से मैंने उसको हेल करने की कोशिश की अच्छा आगे देखो सेकंड मीनिंग टू पब्लिकली प्रेज किसी को पब्लिकली अचीवमेंट के लिए प्रेज कर रहे हो हेल होता नहीं उसका नाम ही नाम ठीक है कार रहे हो भाई साहब आप उसको हिल कर रहे हो वो चीज यहां पर आती है इसका सेकंड मीनिंग तो हील के कितने मीनिंग है बच्चा पार्टी दो मीनिंग है बेटा ठीक है अगला आप देखो लॉर्ड करना मेरा फेवरेट वर्ड है लॉर्ड लॉर्ड करना एक्सटॉल करना बेटा लॉर्ड को ऐसी पढ़ना जैसे तारीफ कर रहे हो शब्द की लॉर्ड करना एक्सटॉल करना ठीक है तो ये होता है बेटा जैसे हमने बोल दिया उस लीडर को लॉर्ड किया गया ठीक है मतलब ये भी वर्ब की तरह यूज होगा इनिशिएटिव उसने जो पहल की बेटा इनिशिएटिव जो जो पहल की, उसने जो पहल की की उसने थी उसके लिए उसको एप्रिशिएट किया अप्रिशिएट भी बन जाएगा बेटा इसका उसके लिए अप्रिशिएट किया द प्रेजिडेंट लॉर्डेड द राइज ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स अराउंड द वर्ल्ड तो उसने क्या किया उसको लॉर्ड मतलब उसकी तारीफ की उसके बारे में ठीक है एक्स्टॉल करना बेटा बिल्कुल सेम मीनिंग है प्रेज करना टू प्रेज समथिंग और सम वन वेरी मच किसी को बहुत ज्यादा तो हिज बुक एक्सटॉलिंग द ऑफ ऑफ वेजिटेरियन ठीक है सोल्ड कॉपीज कि भाई वेजिटेरियन बनो नॉन वेज मत खाओ उसको कई जगह उसने इस चीज को क्या किया था प्रमोट किया था एक्सटॉल किया था इस चीज को तो बेटा एक्सटॉल करना या लॉर्ड करना तारीफ करना एक्सटॉल करना या लॉर्ड करना भाई द हिंदू में वर्ड दिखाओगे आपको दो में वर्ड दिखा होगा बताइए दिखाता कि नहीं दिखाता हाँ तो ये चीज वही है बेटा क्या देखा कर अप्रूव करना सेंक्शन करना हेल करना फोर्टीन है लोड करना हा से गुरु जी इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन किया रेज ही तो करते हो सैल्यूट को तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया एक्सटॉल करना एक्सप्लेन करने की जरूरत है एक्लेम करना बेटा एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया चलो देखें एक्लेम देखते हैं हां एक्लेम करना बेटा एक्लेम करने का मतलब है पब्लिकली अप्रूव करना है या प्रेज करना डेस्पाइट द क्रिटिकल एक्लेम क्योंकि भाई उसको इतनी ज्यादा एक्लेम हुई तो सबने वाह 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 लूटी द नोवेल डिड नॉट सेल वेल अरे बिकी नहीं नो यार अक्लेम तो किया था सबने तारीफ तो सबने की थी लेकिन बिकी ही नहीं तो बेटा ये चीज आप ये देखते हो एक्लेम बहुत सारा तारीफ मिलना उसके लिए शब्द एक्लेम यूज होता है कि यार इस बुक को तो बहुत सारा एक्लेम मिला था मिला था लेकिन बिकी ही नहीं फिर भी नहीं बिकी पता नहीं क्यों ये होता है बेटा एक्लेम करना अब याद हो गया अब मेरे शेर क्या है अप्रूव करना अप्रूव है जी अरे सैंक्शन है जी अरे प्रेज कर रहा हूं अरे अप्रिशिएट कर रहा हूं एक दो अपने पास से भी बना दो बेटा सिनोनिम प्रेज करना ठीक है ना प्रेज करना बन नहीं जाएगा हाँ सर प्रेज करना तो बन जाएगा करना है, प्रेज करना है ठीक है अप्रूव करना है करना आप कह सकते हो बेटा प्रेज करना कह सकते हो एलिवेट भी होता है इतने सारे मार्थ बैठे हैं लव यू बेटा बहुत मेहनत कर रहे हो चलो जी तो ये चीज हो गया अब मेरे शेर अब आप बोलोगे सर ऐसी की तैसी अब टेस्ट कर लूंगा मैं अब मैं टेस्ट कर लूंगा अब बता दो सर पहला वर्ड देखो बेटा अब इसी क्वेश्चन से जितने वर्ड मैंने याद कराए क्वेश्चन देखो एग्जाम में ऐसे पूछेगे अब बताओ इसका एंटोनिम क्या है भाई आग लगाओ बताना जरा क्वेश्चन रिप्रूव करना क्या बताना एंटोनिम सर रिप्रीमेंट अरे सर ये तो उल्टा सिनोनिम हो जाएगा रिजेक्ट अरे सर ये तो सिनोनिम हो जाएगा मारना नहीं लोड करना अप्रिशिएट करना प्रेज करना लॉर्ड करना एक्सटॉल करना सल्यूट करना हेल करना ऐसे बोलने लग जाओगे थोड़े दिनों में में देखो तो। ये हुआ हुआ कि नहीं चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा बताओ दूसरे में क्या किया Out of the four select the word similar. Synonym बताना है बेटा एक्सटॉल का बता। एक सिनोनिम बता। बता। बताओ एक्सटॉल का सिनोनिम बताओ बताओ बाजी सर एक्सटॉल का सिनोनिम गुरु जी कुछ कुछ लग रहा है क्या अरे प्रेस प्राइड नहीं चाइडना डिक्लेयर नहीं प्रेज ऐसे आएंगे पेपर में क्वेश्चन अब कैसे क्वेश्चन हो रहे है? तू तो कहता था कहते वो कैब याद नहीं होती अरे बेटा याद ही नहीं किया पहले आपने अब इंटरेस्ट के साथ याद कर रहे हो तो बताओ अब और मैं तीन महीने इस बैच को चलाऊंगा तीन महीने में सोचो पाजी आपकी वो कैब और इस हफ्ते मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी बेटा रिपब्लिक डे था इस वजह से छुट्टी हुई थी वरना फ्राइडे में क्लास लेता मंडे टू फ्राइडे चलेगी भाई ये छह बजे ठीक है चलो अब आगे याद करते हैं बेटा फिर कराऊंगा क्वेश्चन अब लास्ट में सर इसी के साथ साथ करा दो ना अरे पगले गलत आदत हो जाएगी एक बार पचास वर्ड याद कर फिर देख टेस्ट देख साथ के साथ तो सारे सही बता देंगे पचास वर्ड इकट्ठे याद कर कंफ्यूज करूंगा पहले वरना साथ साथ तो बता ही दोगे चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं तीसरा क्या है बेटा वन वर्ड वन वर्ड में कैसा आया टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग सीवियरली किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज करना उसको हम क्या बोलेंगे किसी को सीवियरली क्रिटिसाइज करना उसको हम क्या बोलेंगे थर्ड का हाँ भाई साहब थर्ड का अरे तू भी बता दे कुछ नहाया नहीं इतने दिन हो गए कभी कभी नहा पानी नाम का पदार्थ भी होता है एक जीवन में बताओ क्या है किसी को क्रिटिसाइज करना हेल्प करना है नहीं हेल करना तारीफ करना वर्चु गुण होता है बेटा गुण नहीं सर कास्टिगेट करना बी है

हाइड छिपाना हेल्प मदद ऐसे आएंगे पेपर में चल मेरे शेर पांचवा बता दे रिवियर नहीं ए, इसका नहीं हुआ अभी नहीं हुआ ना नहीं ये अगला वर्ड اٹھےगा तो चार क्वेश्चन मैंने इससे बनाए बेटा मैंने इससे चार क्वेश्चन बना दिए चार क्वेश्चन आपने आंसर कर दिए अरे पेपर में भी यही होगा पाजी ठीक है बस आंसर हो गया चलो अब आगे बढ़ते हैं तो कितने वर्ड हो गए आज के 18 वर्ड हो गए अब 19 देखते हैं बेटा अगले स्टेप पे ये रहा

जब आप किसी इंसान की बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं बेटा जब किसी इंसान की आप बहुत ही ज्यादा दिल से रिस्पेक्ट करते हैं उसको मेरे शेर वेनरेट करना बोलते हैं आप किसी इंसान की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा ऑनर करते हैं वेरी मच रेस्पेक्ट करते हैं उस इंसान को बहुत ज्यादा अप्रीशिएट करते हो उस इंसान को बहुत ज्यादा तारीफ करते हो उस इंसान की उसको बेटा वेनरेट करना बोलते हैं ठीक है

होता ना वर्शिप करना हम तो बस उन्हीं को मानते हैं सर वर्शिप करना तो पाजी ये निकल के गया ठीक है अरे कहा गया ये रहा वर्शिप दूसरा बेटा ग्लोरीफाई कैसे रखोगे जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम्हारे चेहरे पे ग्लो आ जाता है बाबू ग्लोरीफाई ग्लोरीफाई करना होता ना जब कोई तारीफ करता है तो सर

मेरे को मूवी पसंद नहीं आया जिस हिसाब से उसने ग्लोरीफाई कर दिया ना किसको इतना चमका के दिखाया है साला को कौन सा एनिमल एनिमल मूवी बेस्ट एग्जाम्पल के लिए ये ये लाइन लाइन लिखी थी थी मैंने मैंने एनिमल मूवी के लिए कही आई डिड नॉट लाइक द वे द फिल्म ग्लोरीफाइड वॉर और वायलेंस जिस हिसाब से वायलेंस को प्रमोट किया है एनिमल में ठीक है हाँ पीछे पीछे चल रहा है अपना छाती चौड़ी करके एक रेप्टा मार दे कोई मर जाए रियल लाइफ में इंसान वहां भाई साहब बंदूकें चल रही हैं ठीक है सब कुछ हो रहा सारा नाश हो गया बस सिवाय पुलिस के पूरी फिल्म में सब कुछ बस पुलिस गायब और हमारे ये चपड़गुंजू पतले पतले लौंडे ये अपने आप बेचारे जो पढ़ाई की रिक्शा पे चल रहे थे उन्होंने दस रुपए में खरीद ली ले आए अपना भाई लेकिन दस रुपए में एनिमल देख डाली चौड़े गए चल रहे हैं घर बताओ भाई साहब ठीक है पापा हाँ पापा एनिमल के बाद यही तो रिएक्शन था बच्चों का पापा कोई दुश्मन तो नहीं है आपका कहते साले तू ही है मेरा दुश्मन नौकरी लग ले पापा बता दियो मैं संभाल लूंगा साले अपना जीवन संभाल ले टाइम पे सुसू पोटी तेरे से होता नहीं है ठंड में नहाए तेरे से जाता नहीं है पापा को डमेंट नागा मैं संभाल लूंगा अब घर पे रह ले ये फिल्म के दो मिनट में तेरा जोश उतर जाएगा साले टिकट के पैसे भी मेरे से लिए तूने चुपचाप घर जाके अपना घर संभाल ले टाइम पे सरकारी नौकरी लेगा पापा को डस्टमेंट संभाल लूंगा ट्रैफिक वाले ने रोक लिया उससे बात करनी तेरे को आएगी नहीं दो मिनट में ससु निकल जाएगा तेरा पेंट में पापा को दुश्मन आता बता ये वही तो होता है बेटा मूवी का रिएक्शन ऐसा है मूवी का रिएक्शन है हम कहते हैं पापा बस वो थोड़ा बहकाव में आ गया था रील देख ली थी पापा इंस्टाग्राम पे पापा मेरे फिर पापा चुपचाप काम कर ले हकीकत तो ये बेटा तो ऐसी फिल्मों को ना प्रमोट करें ना ऐसी फिल्मों को कभी भी देखें बेटा गड़बड़ हो जाएगी ठीक है लड्डू आ जाए मेरा शेर अगला वर्ड है बेटा हमारे पास <laughs> अगला वर्ड है हमारे पास रिवियर अच्छा रिवियर करने का मतलब भी क्या होता है बाईसवा वर्ड है भैया जी ए भैया बाईसवा वर्ड

किसी इंसान की आप बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये बोल दो बेटा सो रेवरेंस टू अवर फैमिली रेवरेंस टू माई फादर आप इस तरीके से बोल के चलो रेवेर का मतलब ये होता है दूसरा देखो बेटा रेवियर के बाद है अडोर करना अडोर अडोर एडोरेशन इसी से बनेगा बेटा कई वर्ड आगे बनते दिखेंगे इनसे so, adore करने का मतलब भी है जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बेटा तो है एडमायरेशन इसमें लिखा करना नहीं है एक और वर्ड इसका सिनोनिम कह सकते हो बेटा एक्लेम का कहा गया ये रहा इसका एक और सिनोनिम बताए आप क्या कह सकते हो एडमायरेशन एडमायरेशन एक और वर्ड बना लो भले इसको

दस वर्ड याद हो गए अब जब मैं आपको कह रहा था ये आप किताब बच्चा बोला सर इसको याद जब हम करेंगे इतनी कैसे करा दोगे सर डेढ़ दो महीने में आप क्योंकि दोनों किताब वॉल्यूम वॉल्यूम टू याद कर मैंने बोला छोटे जब मैं इसके बीसवें सेट तक भी पहुंचूंगा ना पच्चीसवें तीसवें सेट तक पहुंचूंगा तब तक तो तुम्हें पूरी बुक के वर्ड तैनात उठाऊंगा आप जब इसे पीछे से याद करना दूंगा मैं थोड़ी क्लासेस के बाद आपको इसमें सो सेट है बेटा जो दी मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है सो सेट है उसमें पूरी वो कैप घुमा रखी है मैंने छह सात हजार वर्ड है सिर्फ ये सो so सेट इतने पेज नंबर आपके मैं बता रहा हूं पेज नंबर एक सौ एक तक सो सेट खत्म हो जाएंगे एक सौ एक पेज तक एक जब तुम पिछला वर्ड पढ़ोगे अरे ये तो गुरु ने करा दिया अरे ये भी करा दे गुरु ने अरे ये भी करा दिया ये भी और ये उसके सिनोनिम में था ये उसके एंटोनिम में था ये उसके सिनोनिम में था ऐसे इंटोनम पूरा खत्म कर चुके होंगे चैप्टर तो बेटा आप सोवे सेट से पेज नंबर सो से मैं आपको याद करना भी दूंगा पीछे से समझ में आई बात थोड़े दिन बाद अभी मैं आपको आदत डाल रहा हूं फिर इनसे ही आप याद करना स्टार्ट करना समझ में आई चलिए वापसी आते हैं तो इसीलिए इसी तरीके से मैं वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू दोनों याद करा के जाऊंगा ये ध्यान वॉल्यूम टू में आपको ज्यादा टेंशन नहीं पड़ेगी वॉल्यूम टू को ज्यादातर मैं ही याद करा दू क्योंकि टफ है इनमें वर्ड घूम रहे हैं तो ये घबराना मत बेटा चल वापसी करते हैं पाजी टॉपिक पे तो हमने बोला अडोर करना अच्छा बेटा डिफाई 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 करना तो अगला वर्ड हमारे पास ये रहा डिफाई करना टू मेक समवन और समथिंग समू अ गॉड किसी को भगवान तक का दर्जा ही दे दिया आपने ठीक है डिफाई करना बेटा किसी को भगवान का जैसे हम अपने पुराने टाइम में क्या होता था अपने राजा को अपने लीडर को वो डिफाई कर देते थे इसका मतलब उसको भगवान तक का औदा भगवान तक का दर्जा दे देते थे इस लेवल पर उसको जाके रेस्पेक्ट करते थे इस लेवल पे जाकर उसको सराहाते थे तो उसको डिफाई कर देते थे, थे बेटा उसके लिए हो गया भगवान तक का दर्जा आपने उसको दे दिया ठीक है

सो एक्सोल्ट एक्स्टॉल दोनों का सेम है एक्सोल्ट एक्स्टॉल दोनों का सेम है तो दोनों को एक साथ लपेट दो आ जाओ एक्सोल्ट और एक्सटॉल अब एक्सटॉल का मैंने एग्जाम्पल वहां लिखवा दिया इसलिए यहां लिखा नहीं टू प्रेज समा लॉर्ड किसी को बहुत ज्यादा तारीफ करना ऐसा ही बेटा लॉर्ड अभी अभी याद करा है मैंने प्रेज करना सो जर्मन लीडरशिप क्या थी लॉर्डेड द रशियन इनिशिएटिव रशियन का जो इनिशिएटिव था उसको लॉर्ड किया उसको अप्रिशिएट किया अरे बहुत अच्छा काम किया आपने आपने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको मतलब करना, करना अच्छा लाइक शेयर करते चलना अच्छे दोस्तों के साथ इतनी फैला दो इस, इस बैच को वो कैब जो भी बच्चा वाकई में जो वो से परेशान है जो वो का बैच मांग रहा था उस तक हम पहुंचे उसको वो याद होनी चालू हो जाएगी भैया अब क्या है इसके एंटोनिम लेकिन एंटोनिम बाद में करेंगे बेटा एक बार फटाक से यहां तक पहुंच जाते हैं जी यहां तक पहुंच जाते हैं अब तारीफ करो जरा तारीफ करो ठीक है तारीफ का मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनो बेटा तारीफ का मतलब क्या हुआ वेनरेट करना तारीफ का मतलब क्या हुआ एडमायरेशन करना तारीफ का मतलब वर्शिप ग्लोरीफाई रेवियर एडोर डीएफाई एक्सॉल्ट एक्सटॉल लॉर्ड लॉर्ड एक्सटॉल एक्सॉल्ट ग्लोरीफाई एडमायरेशन प्रेज एप्रिशिएशन देख रहे हो रेट रिव्यर इतने सारे वर्ड यू याद ग्लोरीफाई देख रहे हो कैसे तुरंत तुरंत बोलता चला जाओ तो वो चीज अपने आप दिमाग में रखते चलना आप आराम से इस चीज को टैकल करते चले जाओगे ठीक है जी आसाफ अब इसके एंटोनिम चलो बेटा बहुत हुई तारीफ अब करते हैं बेजती अट्ठाईसवें वर्ड से अब अट्ठाइसवें वर्ड से बेजती करते हैं अट्ठाईस वर्ड डिफेम करना कैसे याद रहेगा गुरु जी एक बात बताओ अरे तेरा तो बड़ा फेम है यार हाँ चलो इसके फेम को डिफेम कर देते हैं डी का मतलब क्या होता है गिरा देते डिफेम करना किसी की इज्जत को खराब कर देना इसलिए बेटा डफमेशन का केस भी लग जाता है आपको पता है इसके आगे ए टी आईन जोड़ दो डिफर्मेशन इसका केस भी कर देते हैं लोग जैसे किसी पर केस किया और तुम हार गए अब वो तुम पर भाई तुमने मेरी रेपुटेशन को खराब किया अब मैं तेरे पर केस करूंगा तो अब तक जो तारीफ कर रहे थे अब उसकी फेम की आपने धजियां उड़ा दी आपने उसको डिफेम कर दिया बेटा सो डिफेम करना टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन ग्रुप बाई से राइटिंग बैड थिंग्स अबाउट हिम और देम किसी के बारे में बुरा चीज कर, कह कर, आपने उसको डिफेम कर दिया उसके लिए आप डिफेम शब्द का यूज करते हो बेटा ठीक है नेक्स्ट देखो बेटा ब्लस फेम देखो फेम नहीं है ब्लस फेम ब्लसफेम करने का मतलब भी होता है ब्लसफेम करने का मतलब भी होता है बेटा किसी को क्या करना ऑफेंसिव लैंग्वेज या अभद्र भाषा का प्रयोग किसी के खिलाफ करना और उसको बदनाम करना मतलब उसके रेस्पेक्ट को बिल्कुल खत्म करना या किसी धर्म के प्रति या भगवान के प्रति आदर सम्मान ना दिखाना ब्लफमस इसी से बनेगा ब्लसफेम इसी से बनेगा सो ब्लफेम टू यूज ऑफेंसिव वर्ड्स और मेक स्टेटमेंट दैट शो नो रेस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन जब आप उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाते तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्लस अब देखो बी एल ए एस ऐसे पढ़ लो ठीक है अच्छा स्कॉन करना आपने ठुकराना शायद सुनाओ नहीं सुना तो याद करो बेटा ठीक है कई बच्चों के लिए कोई वर्ड आसान हो जाता है उन्होंने स्कॉन करना ठीक है जब आप किसी के बर्सी किसी को क्या करते हैं ठुकरा देते हैं ठुकरा देते हैं इसका मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नो रिस्पेक्ट फॉर स्कॉन कर दिया उसने स्कॉन कर दिया उसको ठुकरा दिया सो ही हैज शी हैज नथिंग बट स्कॉन फॉर द न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहता है उसके पास कुछ नहीं यार इस सिवाय इसके कि मुझे ठुकराना पड़ेगा नए जनरेशन जो है हाँ इसको मैं पसंद नहीं करती तो आपने उसको क्या कर दिया स्कॉन कर दिया बेटा उसको ठुकरा दिया दिस इज कॉल्ड स्कॉन करना ठीक है आज इसका मतलब आप दूसरे की क्या कर रहे हो इंसल्ट कर रहे हो बेटा इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं इजी सा वर्ड है सर अच्छा डी करना बेटा कैसे याद रखोगे आ जा बेटा आपको नहीं पता आपको सेक्रेट का मतलब पता है सेक्रेट थिंग होली चीज थी। जैसे हो डी कर रहे हो इसका मतलब डी मैंने एक्सप्लेन ही नहीं किया ना हाँ जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं कियाट ऐसे याद रखो डी सेक्रेट अब सेक्रेट चीजें आपको पता है पॉजिटिव और डिसक्रेट आप क्या कर रहे हो बेटा उनको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो मतलब जो एक होली चीज है पवित्र चीज है उसको डिसेक्रेट कर रहे हो इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो उसको आप कहीं ना कहीं उल्टा है ना उसको उल्टा कर रहे हो आप ट्रीट कर रहे हो कि लीजिए किसी भी चीज को विदाउट रेस्पेक्ट ये बोलते हैं बेटा डिसेक्रेट करना किसी भी चीज को विदाउट रेस्पेक्ट ठीक है ट्रीट करना विदाउट रेस्पेक्ट तो डिसक्रेट बढ़ा नहीं रही डिसक्रेट कर रहे हो जैसे मैंने बोला था ना ब्लेसफेम भगवान के प्रति आप रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहे हो ऐसी बेटा सेक्रेट चीजों के प्रति जब आप डिसरेस्पेक्ट करते हो देखो रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट करते हो उसको डिसेक्रेट बोलते बिल्कुल ये और ये सेम ऐसा ही होता है बेटा प्रोफेन ऐसा ही वर्ड होता है बिल्कुल मेरे बच्चे बत्तीसवां ये तैतीस प्रोफेन याद रखना कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर, कर रहा है आप कोई मंदिर में खड़ा होकर गालियों का प्रयोग कर रहा है कुटेगा भाई साहब क्यों प्रोफेन लैंग्वेज यूज कर रहा है सर वो प्रोफेन लैंग्वेज एक ऐसी भाषा होती है बेटा जो भगवान के प्रति ठीक है रिस्पेक्ट नहीं दिखाती तो कुटेंगे हम तो ठीक है भाई तो कुटाई तय है चलो जी तो वो चीज यहां है बेटा प्रोफेन का मतलब हो गया शोइंग नो रिस्पेक्ट फॉर अ गॉड और रिलीजियन आफ्टर थ्रू भाषा के प्रयोग से आप आप ऐसा दिखा रहे रहे हैं तो है आप यूज कर हो so भारत देश में तो नहीं होगी भैया यहां पर आप प्रोफेन लैंग्वेज बर्दाश्त नहीं होगी कुटाई प्रोफेन लैंग्वेज आप अभद्र भाषा अगर यूज करते हैं ना तो बेटा वो चीज होती है प्रोफेन एक होता है बेटा अफ्रंट ये वर्ड है इसका अफ्रंट करने का मतलब भी होता है बेटा अगर आप डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हैं कहा गया वर्ड आज मैंने एक्सप्लेन किया हर रिमार्क और एक्शन जो इंसल्ट करता है किसी को किसी को ऑफेंड करता है परेशान कर देता है उसके लिए ही रिगार्डेड द कमेंट्स एज एन अफ्रंट टू हिज डिग्निटी यार मेरी डिग्निटी को ठीक है या कोई इंसान कह रहा है मेरी ईमानदारी को

ऐसे आप इस चीज को याद रख सकते हो इसका मतलब ये हुआ अभी अगला वर्ड है बेटा जो नेक्स्ट करेंगे लेकिन यहां से जरा एक बार इसके एंटोनिम्स को देख लो क्या करना पेम, फेम डिफैम ब्लेस फेम स्कॉन करना इंसल्ट करना डीसेक्रेट करना प्रोफैन करना सर और अफ्रंट करना ये चीज सर अगर हम देखें तो ये इनका बन के चला गया तो हमारी ये चीज समझ में आ गई गुरु जी यहां तो मामला गड़बड़ है ठीक तो गड़ है बेटा बेटा चलो आ जाओ तक तक हुआ था रिव्यू अब तुम पांचवा आपको नहीं लगा अब बता दोगे आप रिव्यर करना अब तो याद हो गया आपको बताओ मेरे शेर रिव्यर करने का क्या मीनिंग है बताओ रिव्यर करने का क्या मीनिंग है रिव्यर करने का क्या अपोजिट करना है बेटा आदर सम्मान भगवान के प्रति इंसान के प्रति अब मुझे इसका अपोजिट बताना है अपोजिट बताना है तो इसका मतलब मैं मैं तारीफ नहीं करूंगा मैं उल्टा करूंगा रिव्यर का उल्टा क्या होगा बेटा एडमोनिश करना एक्लेम करना नहीं क्ल्यूज तो अकेले में रहना कराया था ना लास्ट क्लास में प्रोसेस नहीं क्या आएगा ए आएगा क्या आएगा ए आएगा तो फिफ्थ का क्या हो गया बेटा ए हो गया ठीक है चल अगर मैं बोलूं बेटा ओए अब कई बच्चों ने क्लेम कर दिया ओ पागल, बताना है। कर स्टेट बिंग स्टेट, नहीं, अभी ये भी नहीं हुआ है ये भी नहीं हुआ चलो अभी इसको याद करते हैं फिर अगले क्वेश्चन में आपको बताता हूं अभी नहीं हुआ है वो क्वेश्चन अगले पार्ट में फिर वो क्वेश्चन में आगे कराता हूं ठीक है अभी एक ही था एक ही रखना एक बंदा अलग ही पहुंच गया अलग रखना चलो अब अगला हमारे पास कौन सा वर्ड नंबर का आ गया भैया जी ये भैया कौन सा वर्ड है कितने कर डाले आज भी अच्छे खासे याद कर दिया कहा ये रहा 34 था। चलो अब थर्टी फाइव करते बेटा ये अगला स्टेप ये लास्ट है ये लास्ट है ठीक है इसमें जितने वर्ड होंगे फिर आपका दोबारा से टेस्ट है डिप्रेविटी सर डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है बेटा डिप्रेविटी अच्छा एक बात बताओ पड़ोस में फर्क ही नहीं पड़ता कोई मरे जिए हमें क्या लेना नहीं यार ये डिप्रेविटी आ रही है हमारे समाज में मेरे बच्चे ये डिप्रेविटी आ रही है सो का मतलब होता है मेरे बच्चे गिरावट आना किसे सामाजिक तौर पे जब आप कहते हैं ना यार ये तो देखो द स्टेट ऑफ बीइंग मोरली बैड नहीं सर ये हमारे एथिक्स नहीं है गुरु जी लेकिन ऐसा हो रहा है बेटा डिप्रेविटी ऑफ अवर सोसाइटी हमारी सोसाइटी की डिप्रेविटी है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का नीचतापन कहो बेटा यह है क्या कि यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई मरे या जिए उसको बोलते हैं बेटा उसको बोलते हैं कि हमारे का ये आप ये कहो करप्शन कह दो बेटा सर यह तो करप्शन हो रहा है सीधा सीधा ये डिप्रेविटी का इसलिए देखो जो सिनोनिम है ना मेरे बच्चे वो करप्शन तैयार होता है जो इसका सिनोनिम है वो करप्शन तैयार होता है ठीक है तो चरित्रहीन कहो होना या दुष्टता होना चरित्रहीन कह दो बेटा चरित्रहीन अगर इसको कहोगे तो भी ठीक है यार ठीक चरित्रहीन कह दो चरित्रहीन ऐसे लिखेंगे ना हाँ या दुष्टता दुष्ट होना ठीक है चरित्रहीन होना उसके लिए आप यह कहोगे डिप्रेविटी है सर हमारी सोसाइटी की नीचता है नीचता है ठीक है सो द डिप्रेविटी ऑफ हिस बिहेवियर उसके बिहेवियर की जो नीचता थी ना जो थी ना सबको शॉक में डाल दिया आपने कुछ बहुत ही होगा यूज करते हैं उसको बोलते हैं लड्डी उसको बोलते हैं बेटा डीप प्राइवेटी क्लास पांच मिनट और चलेगी छे पंद्रह में चालू हुई थी ना एक घंटे का सेशन रखा करेंगे एग्जैक्ट पांच मिनट और चलेगी बेटा डीप प्राइविटी बोलते हैं करप्शन अच्छा एबजेक्शन एबजेक्शन बेटा यहां बन जाएगा एब्जेक्शन जैसे क्या होता है शोइंग नो प्राइड और रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ अपने लिए रेस्पेक्ट ही नहीं मतलब है, है आपके ओकात ही नहीं है आपने बोल दिया तो हिज ऑलमोस्ट एब्जेक्ट इन हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज बॉस अपनी जो रिस्पेक्ट है उसके बॉस के लिए वो उसमें एब्जेक्ट है मतलब मानते नहीं वैसे है नहीं हमारे तो वैल्यू ही नहीं है

डिबेसमेंट कैसे याद रखें गुरु जी देखो बेटा बेस एक आधार होता है एक आधार है, 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 बेस है, हो गया। अब डी क्या करेगा? डी डी प्लस बेस है बेटा। उस चीज को क्या कर देगा कम कर देगा तो डी प्लस क्या आ गया बेस मतलब उस आधार को आपने डिबेस कर दिया आपने खत्म नहीं कर दिया उसको डिबेसमेंट कर दिया तो आपने उसको क्या कर दिया खत्म कर दिया गुरु जी डिबेसमेंट कर दिया ठीक है तो उस चीज को आपने खत्म कर दे मतलब पार्ले जी ने <laughs> तो खाने दे रहा कुत्तों को ठीक है कुत्ते खोफ में है कि हमसे बड़ा कुत्ता आ गए हमारे पार्ले जी छीन लेता है सो डिबेसमेंट ये बेटा कोई भी ऐसा काम करना हाँ जो रिड्यूस करता है वैल्यू ऑफ समथिंग आपकी जो वैल्यू है ना उसकी ऐसी की तैसी कर दी आपने डिबेसमेंट कर दी मतलब एक आधार से आप उल्टा नीचे आ गए आपने डिबेसमेंट कर दिया तो ये चीज याद रखना ठीक है ये चीज याद रखना जैसे निंदा करते हैं ना हम गवर्नमेंट की निंदा करते हैं गवर्नमेंट ने डिबेसमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने डिबेसमेंट कर दिया तो द तो गवर्नमेंट क्लेम्स दैट जो अकेडमिक हैं विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर डिबेसमेंट कि हमारे जो अकेडमिक स्टैंडर्ड है उनकी और ऐसी की तैसी होने से हम बचाएंगे ऐसी की तैसी डिबेसमेंट अगर आप ये बोल दोगे बेटा ऐसी की तैसी उसको हम क्या बोल के चल देंगे डिबेसमेंट ऐसी की तैसी उसको हम क्या बोल देंगे डिबेस्मेंट. ठीक है सिंपल है जी ये चीज बोल के चलिएगा जी ठीक है चलो अब आगे देखो कहा गया अगला सर डिके डिके से डिकेडेंस बनाए डिकेडेंस डिके आना डिकेडेंस डिके आना डिके इंक्रीज डिके करना डिक्रीज सो बेटा डिकेडेंस डिके से बना है यार ये तो अरे आ तो दि, हो गया। तो आप बता रहे आसान कर दिया बेटा वर्ड को अब डिकेडेंस को पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बेटा लो मॉरल स्टैंडर्ड्स आपका बिहेवियर जो है वो लो स्टैंडर्ड हो गया ठीक है अच्छा आगे देखो जेनरेसी जेनरेसी जेनरेशन आगे बढ़ती चलती है पीढ़ी इधर पीढ़ी आपने उस जनरेशन की ऐसी की तैसी कर दी तो आपने उसे डी जेनरेट कर दिया जेनरेट डी जेनरेट अब जी जेनरेट से डी जेनरेसी बना है बेटा सो so इसमें भी क्या लगा है डी जेनरेट तो जेनरेट होना था जेनरेसी होनी थी डी जेनरेट कर दिया बेस होना था डिबेस कर दिया प्रेविटी होनी थी डी प्रेविटी कर दी देख रहे हो कितने बढ़िया शब्द है तो उस चीज को याद रखना जैक्शन होना था जैक्शन जैसे जैक लगा के ऊपर उठाओगे एबजेक्शन कर दिया खत्म तो होना ना वेरी गुड ऐसे याद रखो बेस होना था डिबेस दि कर दिया ठीक है डिके कर दिया और डीजनरेट कर दिया और देख मेरे शेर ग्रेडेशन ग्रेड मिलेगी तेरे को अरे ग्रेड मिलेगी तेरे को और तूने उसको डिग्रेड कर दिया मिलेगी। ग्रेड मिलेगी तो उन्हें डी कर दिया अरे सर ये तो आज तो फटाफट -पट से याद हुई गया बढ़िया तो ये हुआ ए ये हुआ हुआ पैशन है पैशन है डिसिपेशन तो बेटा इसका उल्टा। चलो पहले इसको पढ़वा देता हूं तो रखोगे जेनरेसी डी जेनरेसी तो ऐसा बिहेव करना जो एथिकस, एथिकल ना हो ठीक है अच्छा कंपनीशन ऑफ वेल्थ तो उसने बताने की कोशिश की एक्सप्लेन की ठीक है कि मॉरल डीजेनरे आ रही है इसका मतलब लोग अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं अगला देखो डिग्रेडेशन तो ग्रेडेशन को क्या कर दिया था बेटा डिग्रेडेशन इससे इसकी स्पेलिंग भी याद होगी आपको डी ग्रेडेशन ऐसे आपको इसकी स्पेलिंग भी याद होगी डिग्रेडेशन करना सो द प्रोसेस इन विच द ब्यूटी और क्वालिटी ऑफ समथिंग इज डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ड सो आपने बोल दिया एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं आप? सब जो मिल गया फूक दिया फेंक दिया सब पोल्यूशन ही पोल्यूशन कर रखा है तो हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हैं बेटा ग्रेडेशन नहीं कर रहे डिग्रेडेशन कर रहे गिरते जा रहे हैं अच्छा ऐसा ही है पैशन डिसिपेशन तो द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिसअपियरिंग डिस डिसपीर होता जा रहा है खत्म होती जा रही है दुनिया से चीजें अच्छाई आपने बोल दिया तो ये चीज याद रखो हम क्या कर रहे हैं ही चीज उसको दिखाई दे रहा है अ ग्रोइंग डिसिपेशन ऑफ आवर कल्चरल वैल्यूज हमारी कल्चरल वैल्यूज की ऐसी की तैसी होती जा रही है। लोगों का पहनावा बदलता जा रहा है हमारे कल्चर की ऐसी की तैसी होती जा रही है सर मतलब हमारे कल्चर का डिसिपेशन होता जा रहा है सर वो जो हिंदी में हम ऐसी की तैसी, तैसी बोल रहे हैं ना बेटा वो ये चीजें ही सो ग्रोइंग डिसिपेशन ऑफ अवर कल्चरल वैल्यूज आइए अब है बेटा परवर्स करना देखो वर्जन परवर्जन सो परवर्स करना बेटा उल्टा चेंजिंग ऑफ समथिंग सो दैट इट इज नॉट वॉट इट वॉज जो होनी थी वो वो ना रही ठीक है जो होनी थी अब वो वो ना रही आपने झूठ बोल दिया गवाही में सो आपने परवर्जन कर दिया सो ऐसा लगेगा परवर्जन एक नया ही वर्जन बना दिया परवर्ज कर दिया छेड़छाड़ एक नया ही वर्जन बना दिया तो हिस टेस्टिमनी वॉज क्लियरली अ परवर्जन ऑफ द ट्रूथ सच्चाई क्या एकदम उल्टा था उसकी गवाही टेस्टिमनी होती बेटा गवाही कैसे याद रखोगे गवाही को टेस्ट टेस्ट दे रहे हो गवाही दे रहे हो, है ना? टेस्टिमनी ऐसे याद रखना तो क्लियरली एक था, एक था उल्टा सच का मतलब झूठ बोला एक था मतलब उसने। बोला। एक बाद बताओ, आज फिर से सेटअप से करता हूं करप्शन देखो प्रेवेटी डी प्रेवेटी याद रहेगा दूसरा क्या था बेटा करप्शन सबको बताया जैक्शन एबजेक्शन बेसमेंट डिस्मेंट डिके कर दिया अच्छा डी जेनरेसी डी जनरेट कर दिया सर, ग्रेडेशन, ग्रेडेशन नहीं, कर दिया सर, पैशन, पैशन नहीं सर, पैशन कर दिया, और वर्जन का कर दिया, कर दिया, जो चीज़ थी वो घुमाई डाली कितने आसान और बेटा अगर खुद से आप याद करते हैं ना बिना मेरी मदद के तो आपको ये वर्ड इतने भयंकर लगते आप कहते गुरुजी जची नहीं रहे आपको ये वर्ड इतने भयंकर लगते आप कहते गुरुजी जची नहीं रहे

हमारे प्यारे से बच्चा तो है नहीं एक बार बिटिया को ब्याह कर तो देखे एकदम रानी की तरह रखेगा ठीक है हमने बोलते बेटा वर्च्यू है मोरलिटी है आपके अंदर इंसानियत है आपके अंदर सो आप जो मोरलिटी बोलते हैं बेटा ठीक है एक अच्छा इसको तो ऐसे याद करा दूंगा यार राइट सही है आप राइटसनेस का मतलब क्या है सही है आप अपनी जगह तो इसकी स्पेलिंग भी आराम से याद नहीं हो जाएगी यार राइटसनेस सही है आपने जगह अच्छा Rectitude. Rectitude का मतलब बताए रेक्टिफाई रेक्टिफाई क्या करना होता है रेक्टिट्यूड so, आप सुधार में हैं गुरुजी इसका मतलब रेक्टिट्यूड ऑनेस्टी ईमानदारी करेक्ट है आप रेक्टिट्यूड करेक्ट है आप ठीक है तो करेक्ट है आप आज के 48 एट वर्ड हो गए अब दो मिनट में टेस्ट दे देते हैं बेटा आज की क्लास खत्म अब दो मिनट के अंदर अंदर एक बार बच्चा टेस्ट आज ये तो हो गया था थार करना अब ये बता दो यार अब इसका बता दो गया। अब बता दो अब का बता दो मेरे लाल भाई साहब क्लास छोड़ के मत जाना एक बात बताओ मेरे बच्चे याद करके कुछ नहीं उखाड़ा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जब क्वेश्चन ये पेपर में आए हुए बेटा, सारे वो जब आप क्वेश्चन हौसला कहां से बढ़ेगा में पता चलेगा अच्छा बताओ बेटा डिसीपेशन बताओ डिसीपेशन का क्या मतलब हुआ अब क्या बताना है इसका सिनोनिम बताना है सर डिसीपेशन पैशन पैशन बताया था आपने सिमिलर करप्शन हो गया गुरु जी तो ये तो करप्शन हो गया सर बी हुआ बेटा फास्ट कराऊंगा मैं सातवां बताओ द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बींग स्ट्रेट द क्वालिटी और स्ट्रेट जैसी जिसमें आप बींग स्ट्रेट वन वर्ड बताना है बेटा सेवन सेवन का वन वर्ड बताना है सेवन का वन वर्ड बताना है जब एकदम स्ट्रेट का मतलब बेटा एकदम अच्छा हो आप इंसाफ करते हो आप बींग स्ट्रेट का मतलब है क्या अच्छा होना करेक्ट कह सकते हो करेक्ट होना सही होना गुनी होना वर्च्यू कह सकते हो तो स्ट्रेट होना उसका क्या बनेगा सिनोनिम बनेगाट्यूड उसका क्या बनेगा रेक्टीट्यूड का मतलब क्या था बेटा इंसाफ है आप सादगी है आपके अंदर करेक्ट बिहेवियर है आपका तो सादा होना सादा है सर हम स्ट्रेट हैं सर करेक्ट बिहेवियर होना तो इसका क्या बनेगा बेटा रेक्टीट्यूड बनेगा चल मेरे शेयर क्वेश्चन नंबर आठ अनरीडीमेबल अरे नहीं ये तो नहीं हुआ ना अभी ये वाला वर्ड रहता है ये अभी आगे क्या वर्ड है इसमें तो तो ज्यादा छाटे थे मैंने आज ज्यादा क्यों कराए थे है भाई अभी और भी है फिर बाद में है बुक्स अभी और भी है भाई और तो कर पाओगे करोगे एक और वर्ड अड़तालीस तो हो गए अड़तालीस उनचास करोगे अब मेरे को याद है पता है क्यों ज्यादा जा, बनाए थे उसका एक रीजन है फ्राइडे छुट्टी थी पढ़ लो यार छ मिनट और पढ़ लो हाथ वाला छह मिनट और पढ़ लो मेरे को बड़ा मजा आएगा वही बातों बात में भूल गया क्योंकि मैं तीन सेट तैयार करता था मैंने चार किए थे फ्राइडे की छुट्टी थी है, कर लो गए कसम से जाओगे तो नहीं पांच मिनट कर ले आ जाओ इतनी देर में करा ही देता आ जाओ चलो तो जाना नहीं है भाई मैं सोच क्वेश्चन बन जाना नहीं है भैया ठीक है चलो इसलिए तो पंद्रह मिनट और स्ट्रेट लग गई मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद ही भूल गया आ जाओ सर फटाफट करते हैं पाजी देखो इनकरेजेबल एकदम आसान है आसान सा सेट चुना है एकदम मजा आ जाएगा याद हो गया देखो करजेबल करजेबल इनकरेजेबल करजेबल का ऐसा मतलब लग रहा है जिसको आप एप्रिशिएट कर रहे हो करजेबल इनकरेजेबल करेजेबल जिसको करेज करो बढ़ाओ इनकरेजेबल सत्यानाश इसका इनकरेजेबल ऐसा काम बेटा इनक्रेजिबल ऐसे काम होते हैं जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता उसको ठीक ही नहीं किया जा सकता अब पता चला एक बंदा था स्कूल हाँ, में पकड़ा गया, क्या कर रहा था वॉशरूम में सुट्टा मार रहा था प्रिंसिपल ने बाहर निकाल दिया बाप को बुलाया कहता अपने लौंडे को ले जाओ, कहता है क्यों कहता है इनक्रेजिबल कंडक्ट था इनक्रेजिबल कंडक्ट का मतलब हो गया बेटा एक ऐसा काम करना जिसमें जिसमें पुत्र जी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसको बढ़ावा नहीं दिया जा सकता सुधारा नहीं जा सकता ले जाओ घर ले जाओ सो इनकेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड जिसको करेक्ट ना किया जा सकता हो सुधारा ना जा सकता हो नॉट मैनेजेबल सर हम मैनेज नहीं कर सकते इस चीज को ये तो इनक्रेजिबल काम है हम नहीं सुधार पाएंगे भाई साहब ले जाओ इसको सो so, देखो बेटा ही वॉज एक्सपेल्ड होता निकाल देना फ्रॉम स्कूल स्कूल से निकाल दिया बिकॉज ऑफ हिज इनक्रेजिबल कंडक्ट उसके कभी ना सुधरने वाले की भाई हमने तो उम्मीद छोड़ दी मेरे से नहीं हो गए ले जाओ इसलिए बेटा इसका बना हो रिकवरेबल रिकवर कर लेंगे सर, recover कर ले. Irrecoverable है सर. ये recover नहीं होगा गुरु जी इेबल ये कवर नहीं होगा गुरु जी सो so रिकवर कर लेंगे क्षतिपूर्ति कर लेंगे इवरेबल सर ये इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी यह ठीक नहीं हो सकता यह ठीक नहीं हो सकता आप बेटा इससे याद रखोगे सो so, इर आ, अरे, कहा गया रहा इसको तो एक्सप्लेन ही नहीं किया आसान था इसलिए देखो अच्छा देखो ग्यूरेबल, जिसका ग्यूरेबल, क्यूरेबल जिसका क्यूरेबल 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 इसका मतलब जिसका इलाज हो सके इनक्यूरेबल सर ये ठीक नहीं होगा गुरु जी सर ये तो इनक्यूरेबल डिजीज है इनक्यूरेबल सर ठीक कहा था अपने आसान है हाँ वर्ड आसान है बेटा रिफॉर्मेबल रिफॉर्म कर लोगे रिफॉर्म दोबारा से फॉर्म कर लोगे दोबारा से बना लोगे सर सॉरी सर इर रिफॉर्मेबल है सर रिफॉर्म नहीं होगा अच्छे पागल एक और बात बता इसके एंटोनिम भी याद होने तेरे को रिकवरेबल इसका एंटोनिम ठीक है होपफुली इसका एंटोनिम क्यूरेबल इसका एंटोनिम रिफॉर्मेबल इसका एंटोनिम इर रिफॉर्म जो बोल रहे हो रिफॉर्मेबल रिफॉर्मेबल इर रिफॉर्मेबल अच्छा देखो रेमिडियल रेमिडियल रेमिडी रेमिडी का मतलब क्या होता है इलाज रेमिडी रेमिडी का मतलब क्या होता है इलाज है ना रामबान है रेमिडी है इलाज इलाज है इेमिडियल सर इलाज नहीं है इर का मतलब नॉट हो गया ना बेटा इर जो प्रीफिक्स होता है उसका मतलब क्या हो गया अरे टाइप कर दे रहा याद करा दिया बेटा मैंने बस क्या हो गया सर रेमेडियल इलाज नहीं है सर आ जाओ अब है बेटा पेनिटेंट जिसका इलाज हो सकता इम्पेनिनेट इमपेनिटेंट इम इम का भी मतलब क्या होता है Possible, impossible, not possible, not penitent. अरे तुम्हें पेनिटेंट भी याद हो गया अरे बच्चा ए बच्चा अरे सर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं रिडीम कर सकते हैं आप अपने पॉइंट्स को अनरिडीम रिडीम yes, नहीं कर सकते इलाज ही नहीं इस चीज का तो अरे सर कितना आसान हो गया रे. बताओ यार बाजी बताओ

भाई इनक्रेजेबल कंडक्ट सुधार ही नहीं सकते हम सुधर ही नहीं रहा। ले जाओ अच्छा इनरिडीमेबल रिडीमेबल टू करेक्ट इंप्रूव या चेंज अब आप उसको ना तो इंप्रूव कर सकते ना ठीक कर सकते ना चेंज कर सकते इन मीनिंग यही है बेटा धीट हो जाते ना जैसे अब एंटोनिम देखो बेटा अब इसका एंटोनिम कौन सा वर्ड है छप्पन एक तो इनके एंटोनिम सारे ये तैयार कर लो होपफुली रिकवरेबल क्योरेबल रिफॉर्मेबल रेमिडियल पेनिटेंट रिडीमेबल एक तो सारे के सारे एंटोनिम ये तैयार कर लो डन इन तैयार हो गए भैया मुबारक हो आओ छप्पन भैया सेवेबल अच्छा सर उसको बचा लेंगे सर बचा लूंगा इसका मतलब सेव करने लायक ऐसा लग रहा है बेटा ये सेव प्लस अभी बचाया जा सकता है अभी सुधारा जा सकता है सेवेबल अरे सर क्यूरेबल है क्यूरेबल याद आया वेरी गुड सर रीट्रीवेबल है ट्री कर लेंगे सर नहीं होगा तो कर लेंगे सर। हो गया तो चीटी कुछ नहीं हुआ बेटा, चीटी ठीक, <laughs> सो आप से इसको से पढ़ ठीक आज है आज लंबी क्लास मानता हूं लेकिन फ्राइडे छुट्टी हुई थी सर ठीक है और इस बार मैं 2024 में आप अलग ही जयदीप सर देख रहे हैं दो 2024 के जयदीप सर ये इस बार खत्म भी होगा बैच और ढंग से पढ़ाई भी इसलिए प्रैक्टिस साथ साथ आज हमारे बच्चा बुक्स बुक बेटा ये वन है, है याद से से, लो फिर अपने गर, अपने घर अपने अपने घर जाइए बेटा है ना सीधे आजू बाजू देखते हुए नहीं है ना ठीक है चलो सब माता बहने हैं आजू बाजू में देखते हुए मत जाना ठीक है सीधे सीधे घर जाना लाइब्रेरी के बाद चौड़ में नहीं ठीक है चल आ जाओ आ जाओ अनरीडेबल अब बताओ भाई साहब इसका मीनिंग Unredeemable जिसको सुधार सकते हो या जिसको नहीं सुधार सकते हो जिसको सुधार सकते हो या जिसको नहीं सुधार सकते हो आठवां क्या है बेटा आठवां सिमिलर बताना है सर जिसको सुधारा नहीं जा सकता इम्पेनिटेंट क्यूरेबल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सेवेबल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हमने बताना क्या है इसका सिनोनिम सी ऑप्शन हुआ वेरी गुड आज बेटा नाइन्थ बता दो डेडेंस डेके हो गया बेटा डिके हो गया डिके डिके हो हो गया decay हो गया मतलब गिरावट आ गई लेकिन आप इसका अपोजिट बताओ नीचता फैला दिया आपने लेकिन आप इसका एंटोनि बताओ एंटोनिम बताओ अच्छा पॉजिटिव एंटोनिम आएगा पक्का ये तो नेगेटिव वर्ड है ना डिकेडेंस हो गया नीचता आती जा रही है समाज में राइटनेस डिग्रेडेशन नहीं बेटा डिग्रेसन तो अलग मीनिंग ए चलो फटाक से बताओ अफ्रंट uh, करना अच्छा फ्रंट था अफ्रंट uh, कर दो बेजती कर दो बेटा फ्रंट में क्या कर रहे थे तारीफ कर रहे थे अफ्रंट uh, में क्या कर दो बेजती कर दो और बेजती का आपने अपोजिट बताओ फिर से तारीफ कर दो अफ्रंट <laughs> uh, का अपोजिट बताना बेटा अफ्रंट uh, का अपोजिट बताना है डीफाई याद आया भगवान तक का दर्जा दे देना डीफाई याद हो रही है या साठ में हैंग हो गया कंप्यूटर अरे सीपीयू हैंग तो नहीं हो गया एक दो का मम्मी मम्मी बचा लो गुरु ने पकड़ लिया आज आज की क्लास में मम्मी लो प्रैक्टिस भी करा रहे हैं मम्मी पागल हो गए जी दो बता बेटा इम्पॉसिबल टू करेक्ट और क्योर जिस चीज को कभी सुधारा ना जा सके अरे अभी भी तो कराया यार उसका क्या बता One word substitution बताना वन वर्ड सब बताना बेटा क्वेश्चन नंबर ग्यारह जिसको कभी सुधारा ना जा सके इेमिडियबल याद है रेमिडियबल जिसको सुधारा जा सके इर जिसको सुधारा ना जा सके प्रोफ्यूज लैंग्वेज थोड़ी ना है बी <laughs> हो गया चलो अरे पंद्रह क्वेश्चन कर दिए मैंने लॉर्ड लॉर्ड का मीनिंग बताओ फटाक से लॉर्ड का क्या बताना है अपोजिट बताना है प्रभु सिनोनिम मत बताना अपोजिट बताना है लॉर्ड करना क्या होता है तारीफ करना बेटा लॉर्ड करना क्या होता है तारीफ करना ठीक है प्रेज करना अब इसका अपोजिट क्या होगा डांट दो धमका दो डांट दो फटकार दो क्या करना चाइड करना डांटना धमकाना फटकारना वेरी गुड चलो क्वेश्चन नंबर तेरह बता दो रेप्रीमेंट करना बेटा रेप्रीमेंट का मतलब क्या होता है सर डांटना हा रेप्रीमेंट सिनोनिम बता दो रेप्रीमेंट डांटने का सिनोनिम बता दो रेप्रीमेंट सिनोनिम हाँ भाई साहब सभी माताएं बहने बढ़ चढ़ के भाग लेंगी क्या बताएंगे क्वेश्चन नंबर तेरह का ए करेक्ट क्वेश्चन नंबर चौदह बस एक क्वेश्चन और है बेटा फिर छोड़ रहा हूं तुम्हें फिर मैं छोड़ दूंगा आजाद प्रोफेन टॉक क्या होगी प्रोफेन का मतलब बताओ प्रोफेन टॉक कैसी भाषा होती है प्रोफेन टॉक में आप तारीफ करते हैं बेजती करते हैं बेजती करते हैं भगवान के लिए भद्र भाषा का प्रयोग करते हैं प्रोफिन लैंग्वेज बताई प्रोफिन टॉक दे सकता है या पेपर में या शब्द लैंग्वेज यूज कर सकता है इसका मतलब याद आया ब्लस फेमी बेटा फेमी का मतलब भाषा से है ब्लस गंदी भाषा फोन फोन टिरी क्वेश्चन क्या है बेटा एब्जेक्ट करना आ रहे बता दे अब तो बता दे एक तो सही कर दे ना नहाता है ना वो कैप बताता है कैसा है ये लड़का सर कमाल कर दिया एब्जेक्ट करना बेटा एब्जेक्ट का हमने क्या बताना है सिनोनिम बताना है वो भी ध्यान दे लिया एब्जेक्ट का हमने सिनोनिम बताना है बेटा एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है विदाउट होप होपलेस होपलेस अब उसकी कोई नहीं बेटा इसका मिजरेबल होता है हमने मैं लालखियाली बताया नहीं मैंने ठीक है मिजरेबल आपका आया नहीं विदाउट होप अबजेक्ट का मतलब याद आया विदाउट होप बिना उम्मीद नहीं है अब विदाउट होप ठीक है जोवियल पॉजिटिव वर्ड होता है पॉइंट पॉजिटिव वर्ड होता है हैप्पी खुश ये भी खुशी ये भी खुशी ये भी खुशी लेकिन बेटा इसका मतलब है अब कोई उम्मीद ना रही खुशी बाकी ना रही कैसे क्वेश्चन दे दिया आपने मिजरेबल तो था ही नहीं उसमें मिजरेबल नहीं था लेकिन पता है मैंने क्यों दिया वो पड़ी है तेरे अंदर एब्जेक्ट का मीनिंग पता है तुझे तुझेक्ट का मीनिंग क्या था होपलेस एबजेक्ट का मीनिंग क्या था होपलेस क्या मीनिंग था इसका विदाउट होप तो तेरे में इतनी बुद्धि नहीं है कि बाकी क्वेश्चन अगर तेरे को याद होंगे तो सही ऑप्शन पे पहुंच जाएगा इसका मतलब होता है बेटा खुशी मस्तानी लाइफ इसका मतलब है मस्तानी लाइफ इसका मतलब है मस्तानी लाइफ अरे इसका वर्ड नेगेटिव है हाँ तो नेगेटिव मीनिंग एक ही का है जब तीन का तेरे को मतलब बताया तब पेपर में चौथा ही होगा ना छठे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी करने पड़ते हैं पेपर में वो भी बुद्धि दौड़ानी पड़ती है पंद्रह में से कितने आ गए मजा आ गया लेकिन जाते जाते एक ही बात कहूंगा छोटे ठीक है दिल्ली आओ तो मुझसे मिलिएगा बेटा <laughs> मजाक परे सीरियस बात ये है मेरे बच्चे जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं ये एक घंटे का सेशन जस्ट बिकॉज इसलिए था क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आप लोग खूब सारी मेहनत कर लो और फिर जाते जाते कहूंगा बेटा वॉल्यूम और टू, दोनों ऑर्डर कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां सस्ती मिले वहां आप एमेजोन पे आप देखो शायद 240 की दे रहे थे इसको 260 की एमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले 320 की तो की से ऑर्डर कर ले भाई इसको फ्लिपकार्ट वाले सस्ती दे रहे थे जहां पर वॉल्यूम वन या वॉल्यूम टू सस्ती मिले वहां से ऑर्डर कर लो फ्लिपकार्ट की अमेजोन पे जहां से सस्ती पड़े वहां से ऑर्डर कर लो और याद करना पहले ही पेज से मैं लगा पड़ा हूं आपको याद कराने जैसे इसका पहला पेज खेलोगे आज मैंने सातवें तक पहुंच गया मतलब सातवें सेशन तक और अब सातवें तक वेनरेट आठवा भी कर लिया हमने लेकिन आप ये अरे नौवा भी कर लिया अरे दसवां भी कर लिया पहला सेट कंप्लीट अब दस में से अब देखो एवरेज पकड़ो तीन क्लास पचास वर्ड डेढ़ वर्ड करीब याद कर चुका करा चुका हूँ ठीक है चलो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और जो जो बच्चा इंस्टाग्राम यूज करता है इंस्टाग्राम पे भी जुड़िएगा वहां पे भी प्यारी प्यारे छोटी छोटी वीडियो डालता हूं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड करा रहा हूं टेलीग्राम पे आज की क्लास की आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्लस ऐप पे जो बच्चा पढ़ रहा है मेरे से वो ऐप पे मिल जाएगा नया बैच बेटा इंग्लिश स्पेशल का आएगा सात तारीख को इंग्लिश स्पेशल का नया बैच सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सात तारीख को आएगा ये वो स्पेशल बैच है फ्री है फ्री रहेगा कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से कल फिर क्लास होगी छह बजे डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी ही होगी तो बिल्कुल मत हिंच जाइएगा सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ूंगा ताकि आप रिवाइज कर लो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी कल छह बजे मिलेंगे अगले सेशन में अगले वर्ड याद करेंगे 40 से 50 की रेंज रखेंगे वर्डों की अरब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा और कल फिर प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई एक घंटा मैं क्लास लेता हूं अगर मैं सारा भाषणबाजी काट दूं एक घंटे की क्लास होती है पाजी एक घंटे में आप 50-60 वर्ड कर रहे हो एक वर्ड को एक मिनट तो दो गया और प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूं साथ, साथ अगर आपने कसम से ये स्पीड मेंटेन कर ली ना मेरे साथ कि एक घंटे में पचास एक वर्ड भी याद भी कर रहे हो और एक घंटे में आप प्रैक्टिस भी कर ले रहे हो पंद्रह क्वेश्चन कसम से आपको वो कैब से खौफ खत्म हो जाए और इस सारी प्रीवियस वो कैब है बेटा जो एग्जाम में डिट्टो सेम आनी चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो ठीक है तो वीडियो को लाइक करना मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना बैच के बारे में बताना और इसकी अब मैं पीडीएफ भी अलग बना दूंगा वॉल्यूम वन याद कर रहे हैं फिर थोड़े टाइम में वॉल्यूम टू भी याद करेंगे ठीक है चलिए बताइएगा सेशन कैसा लगा कमेंट्स में अभी नहीं बाद में जब वीडियो क्लास कर दूँ कोई भी सुझाव कुछ भी चाहते हैं आप जरूर बताइएगा लड्डू खुश रहिए आबाद रहिए परमपिता परमात्मा करें ये साल नौकरी वाला साल आपके लिए रहे नमस्कार बेटा कल मुलाकात करेंगे छह बजे ठीक है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी इस प्यारी सी फैमिली में जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया J